इमरजेंसी की सिचुएशन में अगर आपको लोन लेना है, पैसे लेना है तो कैसे लेंगे? वैसे अगर आपको बड़ा अमाउंट लेना है तो आपको तो बैंक जाना होगा, वहाँ पर आपका सिविल स्कोर देखा जाएगा, आपका बैंक का परफॉर्मेंस देखा जाएगा, तब जाके वो लोन मिलता है। लेकिन आजकल काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप एक दिन में, 5 मिनट में, 2 मिनट में 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपये तक का घर बैठे लोन ले सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टॉप 3 एप्लीकेशन जो कि आपको इंस्टेंट ही लोन प्रोवाइड करें, लेकिन बहुत ही छोटा अमाउंट। अगर आपको 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक अगर आपको लोन लेना है तो ये लोन एप्लीकेशन के साथ जाके आप लोन लेके रिपे कर सकते हो। अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करेंगे तो आपका सिविल स्कोर खराब होगा और नेक्स्ट टाइम आपको लोन नहीं मिलेगा, चाहे इंस्टेंट लोन एप्लीकेशन में हो या फिर बैंक में हो। अगर आप रिपे करते हो ठीक टाइम में तो आपको ज़्यादा लोन अमाउंट दिया जा सकता है। तो सबसे पहले लोन एप्लीकेशन में नंबर आता है मनी व्यू लोन का। ये एप्लीकेशन एक्चुअली जेन्युइन है क्योंकि आप यहाँ पर रेटिंग देख सकते हैं, 4.7 की रेटिंग है और 8,54,000 लोग यहाँ पर रिव्यू दिए हैं और 10 करोड़ लोग इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके यूज कर रहे हैं। इस लोन एप्लीकेशन में अगर आप लोन लेते हैं तो 100% पेपरलेस है, आपको डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं है, बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं है। ये लोन एप्लीकेशन दावा करता है कि 10,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन देने का, बट ये सभी चीज़ें डिपेंड करता है आपका बैंक स्टेटमेंट का, क्या आप इनकम सोर्स कहाँ से आ रहा है और आपका सिविल स्कोर। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा आता है तो हो सकता है ये ज़्यादा भी लोन दे दे, लेकिन मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ज़्यादा लोन लेने का, क्योंकि मोबाइल एप्लीकेशन में जो भी लोन आता है वो आपका इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा होता है। इमरजेंसी में आपको लोन लेना है 5,000, 10,000, 20,000 तक तो ये ठीक है मेरे हिसाब से। लोन लेने के लिए आपको बस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करने के बाद अपना बेसिक डिटेल्स से आपको फिल करना होगा। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बस आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसके बाद अपना अमाउंट को चूज़ करना है, कब देना है आपको वो चूज़ करना है, मतलब कि कितने दिन का टेनर आपको सेट करना है। इसके बाद अपना KYC यानी कि आपका फ़ोन वेरीफाई करना है और आपको यहाँ पर एक चीज़ करना होगा, आपका बैंक अकाउंट का डिटेल्स देना होगा, तब जाके आपके बैंक अकाउंट में बहुत ही जल्दी पैसा क्रेडिट हो जाएगा। इसके बाद एक और भी बात है यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका सिविल स्कोर जो है 600 से लेकर 650 तक होना चाहिए। ये नॉर्मली सभी के लिए मेरे हिसाब से होता है, जिसका बहुत ही ख़राब है, जो कि पहले से लोन लिया होगा और टाइमली पेमेंट नहीं करता है, बहुत सारा डिफॉल्टर है तो उसका ही बहुत ख़राब होता है, नहीं तो 600 से 650 ये कॉमन है। और आपका एज जो है 21 साल से लेकर 57 साल तक होना चाहिए, इससे ज़्यादा या फिर कम होगा तो नहीं चलेगा। ये लोन एप्लीकेशन आप कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, 24/7 है और आप यहाँ पर देख सकते हैं 5 लाख रुपये तक का, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। और ये लोन टोटली इंस्टेंट है, 2 मिनट में आपका एलिजिबिलिटी चेक हो जाएगा, 2 मिनट में ही आप ले सकते हो या फिर नहीं। उसके बाद अपना अमाउंट सेट करना है और आप डायरेक्टली आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा इस तरीके से। ये लोन एप्लीकेशन ऑल इंडिया डिस्पर्सल है, टोटल 8 लैंग्वेज में आप यहाँ पर देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर जो लोन एप्लीकेशन है उसका नाम है क्रेडिट बी क्विक पर्सनल लोन। ये लोन एप्लीकेशन भी बहुत ही अच्छा है, 4.5 रेटिंग है, 9,62,000 लोग यहाँ पर रिव्यू दे चुके हैं और 10 मिलियन, इसको भी 1 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं। इसका डिटेल्स हम समझेंगे तो आपको यहाँ पर क्विक डिस्पर्सल है, बहुत ही जल्दी ये डिस्पर्स हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट ज़्यादा है। अगर आपको इमरजेंसी में चाहिए तो आप यहाँ पर ज़्यादा भी लोन ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। इस एप्लीकेशन से अगर आपको लोन लेना है तो ये 1,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत है, इसे यहाँ पर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्विक डिस्पर्सल है, मतलब कि अगर आपको इमरजेंसी में ही 5,000 या फिर 10,000 चाहिए होगा तो आप एक दिन में ही लोन ले सकते हैं, बट आपको इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा पे करना होगा, 29.95 यानी कि 30% ही कह लीजिए एक साल में। लेकिन क्विक डिस्पर्सल है, अगर आप यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको लोन मिलेगा पक्का ही। यहाँ पर टेनर यानी कि अगर आप लोन लेते हैं तो 3 से लेकर 24 मंथ के बीच में आपको पे करना होगा। ये लोन एप्लीकेशन में आप 3 लाख रुपए तक का लोन तो ले सकते हैं, लेकिन इंटरेस्ट ज़्यादा होने की वजह से आप बहुत सारे लोग यहाँ पर लोन लेते हैं, छोटा छोटा अमाउंट लेते हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर EMI का भी सुविधा है, आप यहाँ पर आराम से महीने भर में पैसे दे सकते हैं। पेपर वर्क बैंक क्यू हैसलेस, मतलब कि आपको यहाँ पर पेपर वर्क नहीं करना होगा, बस 10 मिनट में ही अकाउंट में आपका पैसा आ जाएगा। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन में लोन चाहिए तो इसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। 3 नंबर का जो एप्लीकेशन है इसका नाम है नवी लोन। ये लोन एप्लीकेशन का जो रेटिंग है 4.4 का रेटिंग है प्ले स्टोर में और 3,14,000 लोग यहाँ पर रिव्यू दे चुके हैं और 10 मिलियन, इसको भी 1 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं।
ये एप्लीकेशन का डिटेल्स में बोलूँ तो ये एप्लीकेशन एक्चुअल में बहुत सारा वेराइटी में लोन देता है। जैसे कि आपको पता होगा, लोन एप्लीकेशन में आप सिर्फ पर्सनल लोन ही ले सकते हो, या फिर सैलरी स्लिप अगर आपके पास है, किसी के यहाँ जॉब करते हो तो आपको वहाँ पर लोन ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। लेकिन ये एप्लीकेशन में आप इंस्टेंट कैश लोन, होम लोन, हेल्थ इंश्योरेंस लोन और इन्वेस्टमेंट इन म्यूचुअल फंड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा डिटेल्स। कैश लोन की बात करें तो यहाँ पर 20 लाख तक ले सकते हैं बोल रहे हैं, और 9.9% से लेकर 45% तक इसका इंटरेस्ट रेट है। यू कैन चूज ए वाइड रेंज ऑफ रीपेमेंट। अगर आप लोन लेते हो एक बार तो 3 महीने से लेकर 72 महीने के अंदर ही आपको पे करना होगा। और ये एप्लीकेशन भी डिजिटली है, आपको यहाँ पर पेपर कोई देना नहीं है। इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र इन योर बैंक अकाउंट, मिनिमम हाउस होल्ड इनकम 3 लाख पर एनम है, ये बात का ध्यान रखना आपको जरूरी है। इसके बाद सिक्योरिटी अमाउंट आपको कुछ देना नहीं है, ये तो सभी एप्लीकेशन में होता ही है। तो बस आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, अपने डिटेल्स को चेक करना होगा, एलिजिबिलिटी को चेक करना है, अपना अमाउंट डालना है, टेनर डालना है कि कब आप पेमेंट करेंगे। इसके बाद अपना कंप्लीट वीडियो KYC यानी कि आपका जो पान आधार पकड़ते हैं ऐसे, वो आपका पैन कार्ड, और एक बात पैन कार्ड आधार कार्ड आपको रखना है, तब जाके आप सभी एप्लीकेशन में लोन ले सकते हैं, क्योंकि पैन कार्ड से ही सारा डिटेल्स कैच होता है, पैन कार्ड में ही सारा रहता है, इसलिए पैन कार्ड आधार कार्ड होना जरूरी है। मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कितना अमाउंट पर आपको कितना इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि अगर आप 50,000 रुपीज़ लेते हैं, इमरजेंसी ही चाहिए आपको, बहुत इमरजेंसी है तभी आपको लेना है लोन। 50,000 अगर आप लेते हैं और आपको पे करना होगा 12 महीने के अंदर ही, तो आपको यहाँ पर 22% पर एनम पेमेंट करना होगा। इसके बाद आपको EMI जो पेमेंट करना होगा हर महीने 4,680 रुपीज़ इंटू 12 मंथ। और आपको यहाँ पर कोई भी लोन लेने से पहले पता होगा प्रोसेसिंग फीस लगता है, इसमें 1,475 रुपया लगेगा अगर आप 50,000 रुपीज़ लेते हैं तो। आपका लोन डिसबर्स होगा 48,525 रुपये आपके अकाउंट में आएगा, और आपको पे करना होगा 4,680 इंटू 12 मंथ, जो कि होता है 56,160। मतलब कि आप यहाँ पर 48,500 रुपये लेंगे तो 56,000 करीब देंगे आप, तो यहाँ पर 1,500 और यहाँ पर आप 7,500 रुपये एक्स्ट्रा आपको पेमेंट करना होगा एक साल में। लेकिन ये सही भी है, क्योंकि आपको इमरजेंसी में लोन चाहिए तो ज़्यादा इंटरेस्ट तो आपको देना होता है, और अगर आपको होम लोन लेना है तब भी ले सकते हैं। लेकिन होम लोन ये वगैरह यहाँ पर मत लीजिए, क्योंकि ये यहाँ पर 8.39 पर एनएम बोल रहा है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस ये सब ज़्यादा कर देता है ये लोन एप्लीकेशन वाले। तो छोटा मोटा अगर आपको अमाउंट चाहिए तो ये जो मैंने 3 एप्लीकेशन बताया इसमें से आप कोई से भी एप्लीकेशन में लोन ले सकते हैं, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 तक, और आराम से पे कर सकते हैं। आपका इमरजेंसी में जो भी काम होगा वो भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो अगर आपको लोन अप्लाई करना है तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया हुआ है, आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इंस्टाग्राम में ज्वाइन करना भूलिएगा मत।